खड़ा हूँ, मैं अकेला जाना चाहता हूँ। 144 कहता है पब्लिक असेंबली, मैं पब्लिक असेंबली नहीं करना चाहता हूँ, मैं अकेला पैदल यहाँ से हाथरस जाना चाहता हूँ। किस बेसिस पे आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं, किस धारा में आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं अमित यादव। दोस्तों आपने ये दोनों वीडियो तो देख ही लिया होगा। दोस्तों हाथरस के केस को लेकर कांग्रेस पार्टी के लोग जगह जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि 1 अक्टूबर को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपने बहुत सारे समर्थकों के साथ हाथरस जा रहे थे पीड़ितों के परिवार से मिलने के लिए। लेकिन यूपी की जो पुलिस है उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को जाने नहीं दिया और यमुना एक्सप्रेसवे पर दोनों को रोक लिया और इन दोनों लोगों को पुलिस वालों ने हिरासत में भी ले लिया है। आपको बता दें कि पुलिस वालों ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उसके साथ लगभग 200 लोगों पर मामला दर्ज किया है। सभी लोगों पर 3 धाराएं लगाई गई हैं, 188, 269 और 270। धारा 188 उन लोगों पर लगाई जाती है जो पब्लिक सर्वेंट के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं, और धारा 269 और 270 दोनों धारा अगर कोई व्यक्ति कोई घातक रोग फैला रहा है उसके खिलाफ लगाई जाती है। यह तीनों धाराएं राहुल गांधी और उनके कार्यकर्ताओं पर लगा दी गई है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया जिसमें लिखा गया है कि जो कांग्रेस अंग्रेजों की लाठी और गोलियों से नहीं डरी, तुम सोचते हो कि उनकी गिरफ्तारी से डरा दोगे, यह भाजपा का वहम है। पुलिस का इस गिरफ्तारी के मामले में क्या कहना है? पुलिस का इस मामले में कहना है कि जितने भी लोग हाथरस आ रहे थे उन सभी लोगों को पहले से बता दिया गया था कि जिले में धारा 144 लागू है। पुलिस वालों ने कहा कि फिर भी लोग आए और इसमें कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने मास्क भी नहीं पहना था। पुलिस ने राहुल प्रियंका की गिरफ्तारी के बाद प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू और कुछ और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस वालों ने आरोप लगाया कि इन सभी लोगों ने महिला सब इंस्पेक्टर की वर्दी फाड़ दी थी और इसके लिए भी उन पर मामला दर्ज किया गया। यह बात कहां तक सच है पता नहीं, क्योंकि यूपी की पुलिस वाले लगातार कुछ न कुछ कारनामा कर रहे हैं और हाथरस केस में भी पुलिस ने किया है, वह भी उन्हें सवालों के घेरे में खड़ा कर दिए। पुलिस वालों ने मनीषा के परिवार की इच्छा के बगैर ही रात में मनीषा का दाह संस्कार कर दिया। इस मामले में मनीषा के परिवार वाले कह रहे हैं कि पुलिस वाले लगातार उनको डरा रहे हैं और धमका रहे हैं और दबाव बना रहे हैं। दोस्तों इंडिया टुडे को मनीष के चचेरे भाई ने पुलिस के सारे कारनामे के बारे में बताया है कि किस तरह पुलिस लगातार उन पर और परिवार पर बयान बदलने के दबाव बना रही है, कैसे पुलिस वाले पीड़िता के परिवार को डरा धमका रहे हैं, पीट भी रहे हैं, और कैसे पुलिस वाले किसी को घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। योगी की पुलिस वाले पीड़िता के परिवार के सभी लोगों का मोबाइल भी ले लिए हैं ताकि कोई भी मीडिया से बात न कर सके और यह जो पुलिस का कारनामा है सबके सामने न आए। इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि जिस पुलिस प्रशासन के भरोसे सब अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं वो भी उस पीड़िता के परिवार का साथ नहीं दे रहा है, बल्कि हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार का एक वीडियो वायरल हो रहा है। नेता खत्म मत करिए, तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजे कल शाम तो हम ही आपके साथ खड़े हैं। अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना। जिसमें वो मनीष के परिवार वाले को बकायदा धमकी भरे अंदाज में कह रहे हैं कि आधे से ज्यादा मीडिया वाले आज जा चुके हैं और कुछ जो बचे हैं वह कल चले जाएंगे, फिर हम लोग ही बचेंगे। मैं योगी जी और उनके प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, यदि ये लोग ही हमारा साथ नहीं देंगे तो आप ही बताइए कि हमारा साथ कौन देगा और हम न्याय के लिए किसके सामने गुहार लगाएंगे। दोस्तों इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि 12 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई में आकर अब तक जो भी जांच हुई है इसके बारे में उसके बारे में सारा जानकारी दीजिए। दोस्तों देखना है कि क्या योगी सरकार इस मामले की जो दोषी हैं उन्हें सजा दिलवा पाती है या बहुत सारे दूसरे मामलों की तरह ही यह भी पुलिस और प्रशासन से दबकर न्याय की आस तोड़ देता है। दोस्तों आपका इस बारे में क्या मत है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें।